इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा लॉजिकल बातें की गई हैं, तो कृपया करके पिकाचू इस वीडियो से दूर रहें। धन्यवाद। तो वेलकम बैक बेबी। तो आज हम बात करने वाले हैं चप्पल चोर छपरी इंसानों के बारे में जिन्हों को चाहिए गोल्डन डेज। जिन बहन के लोड़ों को खुद को गोल्डन डेज का स्पेलिंग नहीं आती उनको चाहिए गोल्डन डेज। तो मैंने डिस्क्लेमर पहले दे चुका हूँ, तो पिकाचू तुम लोग इस वीडियो से दूर रहना, क्योंकि कमेंट सेक्शन में जो हगेगा उसकी गांड पे इतने लठ मारूंगा कि वो दूसरे दिन बाथरूम जाने से पहले भी 10 बार सोचेगा। इतने समझाने के बाद भी कुछ पसंद पिकाचू बच्चे हुए जो भी आएंगे मेरे कमेंट सेक्शन में बोलेंगे, नूबड़े तुम हमारे अब्बू से जलते हो इसीलिए ऐसे बोल रहे हो, तुम हमारे अब्बू से कस्टम कर लो। तब भेंसड़ी के कस्टम करूंगा मगर तेरे अब्बू से नहीं, तेरी अम्मी से करवाएगा तो बोल। इमोशनल डैमेज। आजकल देख रहा हूँ कि फ्री फायर के रेटिंग गिराने में कुछ ऐसे यूट्यूबर अपना फुल योगदान दे रहे हैं जो आज के 1 साल पहले अपना चैनल माँ की कसम दे के चलाते थे, वो भी पूरे इमोशनल तरीके से सैड बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के जैसे किसी की शोक सभा चल रही हो। मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे छपरी यूट्यूबरों को एक स्ट्राइक से पेड़ नहीं भरेगा, इनको मिलनी चाहिए 3 स्ट्राइक, क्योंकि हमें नहीं चाहिए अपने कमेटी में ऐसे दल बदलू इंसान। जो भी गरीना इनको पैसा देगा तो ये गरीना की चाटना शुरू कर देंगे। और पिकाचू तुम ये मत सोचना कि हमारे लिए ये अपने चैनल को दांव पे लगा रहा है। अबे चैनल को छोड़ो, अपने एक झाट का बाल दांव पे ना लगाए, चैनल तो बड़ी दूर की बात है, ये सिर्फ अपना भला करना चाहते हैं अपना जेब मोटा करके। और ये जो गोल्डन डेज के नाम पे आर आर मचा रहे हैं, इन लोगों के भाई दो दो चेहरे हैं, जो आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। इन लोगों को कोई चीज से मतलब ही नहीं है, बस इनको मतलब है ऑडियंस को मैनिपुलेट करने से। सिर्फ इनको चाहिए ना, इनको स्पोर्ट्स चाहिए ना इनको कुछ भी चाहिए, बस इनको चाहिए तो अपने सब्सक्राइबर नंबर बढ़ाने। कुछ लोग बोलेंगे कि हम कोई संपत्ति नहीं लेते हैं, तब चूतिया इंसानों, जो तुम लोगों को ऑडियंस का भला ही करना है तो अपना सेकंड चैनल बना के फिर उस पे संपत्ति क्यों लेते हो ये बताना मैं। तो फिर भी तुमको ऑडियंस का भला करना है तो अपने मेन चैनल पे बनाओ वीडियो, लगाओ बैकग्राउंड में फ्री फायर का गेम प्ले, उसके बाद बको उसको गाना, हम भी तो देखे कि ऑडियंस का कितना भला करना चाहते हो तुम लोग। सालो ये फोकड़ की संपत्ति लेने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम सालो यूट्यूब पे आए नहीं थे ना तब से हम यूट्यूब पे हैं, हमको पता है कैसे मैनिपुलेट करते हैं बंदो। और ऑडियंस के भी क्या करने, एक छपरी यूट्यूबर ने बोला नहीं कि जाके बड़े यूट्यूबरों के कमेंट सेक्शन में स्कैम करो गोल्डन, बस इन लोग भी पहुंच गए दूसरे कमेंट सेक्शन में गोल्डन रेस करने। इतनी पहचान 20-20, 30-30 मिलियन वाले यूट्यूबरों की होती तो वो लोग ये गेम छोड़ के चले नहीं गए होते, वो लोग भी गोल्डन डेज वापस ले आ सकते थे, मगर नहीं वो लोग नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि अब इस गेम का कोई फ्यूचर नहीं, गेम गया मां चुदा ने, इसीलिए वो लोग फ्री फायर को डिलीट किए, आराम से दूसरे गेम में शिफ्ट हैं। तो तुम लोग भी ये गोल्डन डेज करना बंद करो और जो है वो खेलो, फ्री फायर वापस आएगा मगर इसमें कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, ये बात पक्की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से पिकाचू की बुद्धि खुल गई होगी। तो बस लौंडो आज की वीडियो में इतना ही, मैं जा रहा हूँ, आप लोग लाइक ठोको सब्सक्राइब ठोको, बाय।